एलडीए में समायोजन के नाम पर जबरदस्त गोरख धंधा चल रहा है और ताजा मामले में गोमती नगर विस्तार और जानकीपुरम विस्तार से जुड़ा हुआ है। नियमों के मुताबिक समायोजन के नाम पर किसी योजना के आवंटितों को दूसरी योजना में प्लॉट नहीं दिया जा सकता है और इसके बावजूद एलडीए अफसरों ने जानकीपुरम विस्तार को दी आवंटियों को गोमती नगर विस्तार प्लॉट में आवंटित कर दिया है और अब ये मामला खुलने पर एलडीए में हड़कंप मच गया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जमकर निंदा की है और इसे घोटाले का प्राधिकरण बताते हुए अधिकारियों और बाबुओं की साठगांठ बताई है। तो वहीं बीएसपी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इसलिए लोग मायावती की सरकार को याद करते हैं। विकास प्राधिकरण को वास्तविक संज्ञा है विनाश प्राधिकरण, अपने उद्देश्यों से बहुत दूर भटक गए हैं और जो आता है वो कामधेनु समझता है, वो अपने उस मूल उद्देश्य की नियोजित विकास करे ऐसा परिलक्षित अब नहीं हो रहा। बहुजन समाज पार्टी बहुत पहले से बात का आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी सरकार, और हम समझते हैं आज इसी बदहाली को देखते हुए लोग अब बहुजन समाज पार्टी के सुशासन को याद कर रहे हैं, बसपा शासन के कानून राज को याद कर रहे हैं, सुश्री बहन मायावती जी को याद कर रहे हैं। 400 से अधिक आवंटी जहां पिछले 10 सालों से लखनऊ विकास प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं, वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अपने चहेतों को आसानी से प्लाट मुहैया कराए जा रहे हैं। पिछले कई सालों से लखनऊ विकास प्राधिकरण में ये समायोजन का गोरख धंधा चला है। इस बाबत जब हमने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी कैमरे से बचते नजर आए। कैमरामैन सत्यनारायण के साथ मनीष पांडे, न्यूज लखनऊ।